हाय गाइस, आई एम विक्रम सिंह। मैं आज आया हुआ हूँ स्टेचू सर्कल जयपुर। काफ़ी एक अच्छा सिनेमैटिक व्यू है यहाँ का, जो कि कबूतर वगैरह उड़ रहे हैं और बीच में एक स्टेचू सर्कल है महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय से रिलेट करती है ये। और एक काफ़ी ज़्यादा क्राउडी वाला एरिया है, यहाँ पे क्राउड वगैरह रहता ही है हर बार, ट्रैफिक तो जिसमें बीचों बीच चलता ही चलता है हमेशा काफ़ी ज़्यादा। और इसी के साथ अब अपन उस साइड चलेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कितना शानदार नज़ारा है यहाँ का। और एक प्रॉपर जो गार्डनिंग हो रखी है यहाँ की, अभी क्रिसमस आने वाला है तो सेंटा वगैरह के भी यहाँ पे स्टॉल लगते हैं। तो आइए आपको लेके चलता हूँ उधर और दिखाता हूँ आपको कि कैसा एक शानदार नज़ारा है। बहुत ज़्यादा लाजवाब है। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि इस जगह से मेरी बचपन की यादें जुड़ी हुई है, क्योंकि जेके हाउस जिस पर अभी मैंने जूम किया वहाँ मैं रहा हूँ बचपन में। तो मेरे नानू सा की यहीं ड्यूटी हुआ करती थी, तो उनके साथ मैं रहा करता था। अभी मेरे मामू सा यहीं ड्यूटी करते हैं, तो उससे मेरा थोड़ा पुराना संबंध है। तो स्टेचू सर्किल पे ये मान लीजिए कि मेरा आना जाना हमेशा रहता था, क्योंकि ये कॉर्नर पे तो जेके हाउस है और यहीं पर आइसक्रीम के स्टॉल वगैरह लगा करते, तो आइसक्रीम वगैरह हम लोग खाने आया करते थे सारे भाई बहन जितने भी थे। तो अभी उस तरफ चलते हैं और आपको एक अच्छा शानदार वाले जितना वहाँ पे छोटे छोटे पौधे वगैरह लगे हुए हैं, फ्लावर वगैरह दिखाता हूँ मैं ना। अब देखिए आप कितने लाजवाब हैं, मतलब हर जो हमारे देसी भाषा में इसको क्यारी बोलेंगे, तो कितने ज़्यादा इसमें अलग अलग से फ्लावर लगे हुए हैं यार, कितने ब्यूटीफुल हैं ये। तो ऐसा पूरा ही ये गार्डन ऐसे फ्लावर से भरा पड़ा है ये पूरा का पूरा, और चारों तरफ एक राउंड शेप में ये सर्किल बनी हुई है। एक्चुअली सर्किल राउंड ही होती है, पर इसके सराउंड में जो ये गार्डन राउंड में है तो ये है, और वो जगह उसे जहाँ पे मैंने अभी दिखाया आपको। चलते हैं उधर आगे, और थोड़े से ये फवारे वगैरह चल रहे हैं तो इनका भी कुछ लोमो लोमो लेके आपको दिखाएंगे। बाकी जयपुर के जितने भी मैं जगह एक्सप्लोर कर रहा हूँ उसमें से ये मेरी सबसे फेवरेट जगह है, क्योंकि इससे मेरा पहले का बचपन का रिश्ता रहा इस जगह से। अब देखिए आप कितना लाजवाब लग रहा है यार, क्योंकि सामने सन आ रहा है, तो थोड़ा सा अब सन के साथ साथ चलने में तो अच्छा दिख रहा है, सन के अगेंस्ट में जाते ही काला पड़ जा रहा है पूरे एरिया। बाकी काफ़ी ज़्यादा शानदार है यार, अभी जो फ्लोर वगैरह दिख रहे हैं ना, ये देखो आप, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, कितने ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अलग अलग कलर्स, बिल्कुल बहुत ज़्यादा कलरफुल है यार, बहुत ज़्यादा कलरफुल है ये देखो, शानदार मस्त। तो चलते हैं आगे, और अभी आपको मैं स्लोमो दिखाने वाला हूँ जल्दी ही, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये ना कि ये जो फवारे चल रहे हैं इतना ज़्यादा अच्छा व्यू दे रहे हैं, शानदार वाला यार, और इन्हीं की वजह से गार्डन हरा भरा है। तो आप एक स्लोमो को एंजॉय कीजिए और बताइए मुझे कैसा लगता है कमेंट्स में। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये स्लोमो, और पूरा स्टेचू सर्कल कैसा है जयपुर का, क्योंकि देखिए आप पूरा राउंड सराउंड में इसके कितने सारे गमले रखे हुए हैं, पेड़ पौधे जितने भी लगे हुए हैं शानदार वाले, और नाइट में इसका अलग ही एक व्यू होता है। ज़रूर अगर मैं किसी दिन नाइट में यहाँ पर आया तो 1000% मैं आपको दिखाऊँगा। वो वहाँ पर मैंने एक बार अभी 2 दिन पहले एक शॉर्ट चला था बुलेट वाला, वो यहीं पर वहाँ से रिकॉर्ड किया था मैंने सामने से। और इसके आसपास अराउंड में भी काफ़ी सारे ऑफिसेस वगैरह हैं गवर्नमेंट के, और शायद थोड़ा सा एक सर्कल क्रॉस करने पे विधानसभा भी आ गए। तो एक बहुत ज़्यादा वीवीआईपी वाली ये लोकेशन है, जहाँ से हमेशा वीआईपी मूवमेंट रहता ही रहता है हमेशा, और मोबाइल वाटर प्रूफ है, इसका मतलब पूरा गीला हो गया ये। अब देखिए आप यहाँ से भी मैं कुछ शॉट्स आपको दिखाता हूँ, क्योंकि व्लॉगिंग तो अब काफ़ी दिनों बाद कर रहा हूँ यार, लगभग 1 महीने बाद व्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं वापस से। और आप सब लोग अच्छे से सपोर्ट रखिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, और जो आपके फ्रेंड्स हैं इन सब में आप शेयर कीजिए वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है आपको वीडियो, तो ताकि जल्दी मैं और भी अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आ सकूँ। देखिए उस जगह पर अभी थोड़ा सा सामने इस सर्किल के बाद भी उस साइड में गार्डन है, इसके चारों तरफ में देखिए आप, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा सा,
और ये इतना बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा एक एरिया जो कवर करती है ये सर्कल, क्योंकि सर्कल होती है बिल्कुल छोटी सी, इसके सराउंड में जो गार्डन है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बड़ी सर्कल है। और हर हर वाले राउंड में मतलब इतना ज़्यादा बड़े बड़े गार्डन है, मतलब पूरा इसको देखा जाए ना तो काफ़ी बड़ा एक गार्डन है निकल के आता है, बहुत ज़्यादा लाजवाब है यार। और अभी फ़िलहाल सफाई वगैरह का कुछ ध्यान नहीं है शायद गवर्नमेंट का, तो पानी में गंदगी है काफ़ी ज़्यादा वाली। वैसे कबूतर वगैरह हमेशा रहते हैं यहाँ पे, और इनकी वजह से ही आसमान थोड़ा भरा भरा सा लगता है और अच्छा लगता है। तो ये बात भी अच्छी है कि पक्षी वगैरह ऐसे पोल्यूशन वाले एरिया में रह रहे हैं, पर इनकी वजह से ये पोल्यूशन भी दिख नहीं रहा हमें, अच्छा लग रहा है। तो ऐसा बहुत शानदार है सर्कल, आपने देख ही लिए। और तो जब भी आप जयपुर पधारें तो बिल्कुल आप स्टेचू सर्कल देखिए, आपका मन अच्छा लगेगा, आपको मन खुश होगा यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि यहाँ पे सेल्फी वगैरह का तो चलता ही रहता है कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी देर में। तो काफ़ी अच्छा मुझे लगा यहाँ आने के बाद, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, और ऐसे ही वीडियो मैं और भी लाता रहूँगा आपके बीच में। तो एक बार आगे से थोड़ा चल के मैं आपको दिखाता हूँ कैसा लगा, ये देखिए पूरा प्रॉपर शानदार तरीके से है, मस्त है। शुरुआत से ही ये एक अच्छा सेल्फी पॉइंट रहा है, क्योंकि स्टेचू सर्कल का नाम काफ़ी ज़्यादा जयपुर में अच्छी तरीके से लोग जानते हैं, और अच्छी गार्डनिंग और अच्छी जो कि यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, मतलब कि जो गार्डन का मेंटेनेंस है, मेंटेन कर रखा है इन्होंने, मेंटेनेंस वगैरह अच्छा है, तो इस वजह से लोग अट्रैक्ट होते हैं इस गार्डन की तरफ, और यहाँ पे इस पॉइंट को सेल्फी पॉइंट भी बना रखा है लोगों ने। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।